Hello and warm welcome to our chit chat session powered by My Master 11. Today we have got three most pretty and stunning players from the camp of Delhi Capitals, जिनसे आज हम जानेंगे इनका ऑन फील्ड एक्सपीरियंस और साथ ही साथ ऑफ फील्ड एक्सपीरियंस। इस सेशन में रहने वाला है रैपिड फायर राउंड, कुछ ऐसे सवाल जो पूछती है दिल्ली, और साथ ही साथ कुछ ऐसी फन एक्टिविटीज जो आपको काफी ज्यादा मजेदार लगने वाली है इन प्लेयर्स के साथ। वी हैव गॉट मैग लेनिंग, मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन इन विमेन्स क्रिकेट हिस्ट्री, 7 वर्ल्ड कप्स, 5 एज अ कैप्टन, एंड शी ऑल्सो लेड ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट वुमेन टीम टू अ CWG गोल्ड मेडल लास्ट ईयर। हमारे साथ हैं जेमिमा रॉड्रिक्स। जब जेमिमा रॉड्रिक्स की बात होती है ना, एक क्लासी बैटर, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील्डर और साथ ही साथ द सोशल सेंसेशन। जैसे ये आपको क्रिकेट के मैदान से सभी फैंस को एंटरटेन करती हैं, ठीक उसी तरह अपने रील से, अपने कंटेंट से और अपने गिटार से जितना एंटरटेन ये करती हैं शायद ही कोई कर पाता है। और उनके साथ हैं राधा यादव। राधा यादव की जब बात होती है तो दिमाग में आती है लेफ्ट आर्म स्पिनर और साथ ही साथ एक एग्रेसिव प्लेयर ऑन द फील्ड। लेकिन एक चीज अगर मैं राधा यादव के बारे में बोलूं तो गलत नहीं होगी, बैटर्स को आउट करना राधा यादव के बाएं हाथ का खेल है। तो आज स्वागत है सबका, वेलकम बैक टू अवर शो। और आपसे मैं पूछने वाला हूं बहुत सारे सवाल जो दिल्ली जानना चाहती है, जो हम जानना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है। कैसे एक जब आप फ्रेंचाइजी में आते हैं तो कैसे सारी डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं। तैयार हो सारे? यस बिल्कुल। यू रेडी मैग? एब्सोल्युटली। शी इज ऑलवेज देयर। सो यू हैव कैप्टन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम, राइट? यू आर द कैप्टन ऑफ मेलबर्न स्टार्स इन WBBL, बट व्हेन इट कम टू दिल्ली कैपिटल्स, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैव चेंज्ड एंड हाउ अबाउट द एनवायरमेंट? How are you coping up with these guys? It's been a lot of fun. You don't get a lot of time to sort of bring the group together, so you want different personalities, but you want them to have fun and enjoy themselves and go out there and play with freedom. So yeah, these two are great. They bring a lot of energy. So that's always helpful for me as well. जेमिमा, जब आपकी बात करते हैं, जब आपने अपना क्रिकेट डेब्यू करा था तो हम सबको पता था एक ऐसी खिलाड़ी आ रही है जो डोमेस्टिक में भी 200 मार देती है, ठीक है? तो वहीं से हम लोगों की ना नज़रें पहले से ही सेट हो गई थी, एक ग्राफ पहले से ही सेट हो गया था कि भाई ये एक बार है जेमिमा का और ये इस तरीके से खेलने वाली। ब्लू जर्सी में हमने देखा आपने क्या झंडे गाड़े हैं, और फाइनल भी मुझे याद है CWG का, जिसमें आप बहुत अमेजिंग खेल रही थी और एक पल तो मैच पूरा हमारे हाथ में ही आ गया था। लेकिन जब हम बात करते हैं WBL, ठीक है, जैसे अब आप इसमें आ गए हैं, दिल्ली कैपिटल से आप खेल रहे हैं, आप लोगों के साथ बहुत सारे इंटरनेशनल स्टार्स जुड़ गए हैं, तो क्या चीज़ें आप लोगों के लिए चेंज होती है? जैसे होता है ना ड्रेसिंग रूम में, क्या एनवायरनमेंट हो जाता है एकदम से? आई थिंक हर ड्रेसिंग रूम का अलग एटमॉस्फेयर रहता है, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट टू एडजस्ट टू दैट एटमॉस्फेयर। एंड द थिंग अबाउट दिल्ली कैपिटल्स इज लाइक मोर देन अ टीम, इट फील्स लाइक अ फैमिली, बिकॉज एवरीवन इज रियली नाइस, ग्रेट क्रिकेटर्स, बट मोर देन दैट ग्रेट ह्यूमन बींग्स। सो वो एक अच्छी बात है कि हम लोग साथ में मिल के खेलते हैं। वो जो जेल आप बोलते हैं ना, वो तो बहुत आसानी से हो जाता है। तो आई थिंक इट्स नॉट मच ऑफ एन एफर्ट, लाइक एवरी वन जस्ट कम इन, लाइक मैक सेड, कभी कभी ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, बट जस्ट बिकॉज एवरी वन सो प्रोफेशनल और सब लोग इतना क्रिकेट खेले तो सब ग्राउंड पे आते हैं, तो सब लोग का सब लाइक स्मूद हो जाता है और मतलब रोल क्लियर है, तो जाके मजे करते हैं ग्राउंड पे। तो मतलब फन एनवायरनमेंट है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें प्रेशर आए, नहीं, बहुत चिल रखते हैं। हमारी कैप्टन ही इतनी कूल है। कूल एंड काम। राधा, आपसे एक सवाल है मेरा, वो मतलब दुनिया पूछे ना पूछे, ये तो मैं ज़रूर पूछने वाला हूँ। हम जिस राधा यादव को जानते हैं ना, वो बॉलिंग कराती है, वो विकेट्स लेती है, वो फील्डिंग में ऐसी तगड़ी तगड़ी कैचेस पकड़ती है और उसके बाद जो एग्रेशन दिखाती है, लेकिन WBL के फाइनल में आपको क्या हो गया था? मतलब ऐसा क्या खाया था आपने? मैं यही तो लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं दिल से बैटर हूँ। 12 बॉल में 27 रन, वो जो 2 छक्के आपने मारे थे ना, वो शायद जवा दिलों के दिल पे जाके लगे थे। तो वैसा कुछ हुआ था, तो क्या क्या चीज़ थी आपके माइंड में जब आप बैटिंग पे उतरी, क्योंकि हमारा स्कोर बहुत कम था, मतलब कहीं से भी दूर दूर तक चांस नहीं दिख रहा था, और वो ऐसा आपने फाइटिंग टोटल दे दिया था जो डिफेंड होता हुआ भी नजर आ रहा था, तो क्या था उस टाइम पे आपके माइंड में? कुछ नहीं, मैं और शिखा दी उस टाइम पे खेल रहे थे और सब आउट हो गए थे, तो थोड़ा टेंस था माहौल क्योंकि फाइनल है, थोड़ा स्कोर खड़ा करना था। तो हम अंदर वही बात कर रहे थे कि इधर से 20-30 रन्स भी आ जाएगा तो हमारे लिए फिर भी फाइटिंग टोटल होगा, क्योंकि फाइनल प्रेशर गेम होता है और उधर T20 में स्पेशली कहीं पे भी जा सकता है मैच, एक ब्रिलियंट एफर्ट कहीं पे भी मैच जा सकता है। तो मैं और शिखा दी बस एंजॉय कर रहे थे और ट्राई कर रहे थे कि
यहाँ से रन्स कैसे जोड़ने हैं और कहाँ गैप से कहाँ हम मार सकते हैं, तो वो सारी चीजें ही दिमाग में चल रही थी। गैप तो आपने देखी नहीं अभी क्या चल रहा है, क्या स्ट्रेटजीज है? जैसे अब 2024 का टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है, टीम में काफी सारे बदलाव भी हुए हैं, एनाबेल सुतरलैंड भी अब टीम का पार्ट हो चुकी है, तो क्या लगता है क्या क्या बढ़िया स्ट्रेटजीज बन चुकी हैं अभी तक? स्ट्रेटजी इधर कैसे बोल सकते हैं, हम स्ट्रेटजी बता ही नहीं सकते, वो ग्राउंड पे देखो ना। झूठी स्ट्रेटजी बता दे ताकि इन लोगों को लगे कि हाँ भी इनकी ये स्ट्रेटजी है वो उस चीज के लिए है और आप आउट ऑफ द सिलेबस काम कर जाओ। कुछ भी बोल दो भाई, जैमिमा नाइन्थ डाउन बैटिंग करने वाली है, राधे यादव ओपनिंग बोलिंग करने वाली है और राधे यादव ओपन करने वाली है और मैग लेनिंग विकेट की गई, ये बहुत खुश हो जाएगी इन अ वे। यस, तो ये चीज आप लोगों के लिए पॉसिबल हो सकती है। Being a Delhiite, I have been waiting for the IPL title for last 15 years. You didn't wait for the WPL then? Yes. I would add that too. क्योंकि last time ही वो ऐसा था जिस time लगा था कि यार आ गया। Yes. वो रात अपन 2 बजे तक पिया। Skip. What's your favorite pastime when you are done with practice? My favorite thing to do is go and find a really good coffee, and I will walk far and wide to find one. सारे टिकट्स भी लेने को तैयार हूँ। बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल भाई जुबान। और राधा का क्या फेवरेट पास टाइम क्या, जैसे यार ये सेशन वेशन है, मतलब होता है ना प्रैक्टिस सेशन खत्म हुआ, मैच खत्म हुआ, जेमी हंस रही है, उनो खेल उनो रिवर्स ड्रॉ फॉर है क्या चीज़? वैसे तो मूवीज देखना वगैरह या तो जिम चले गए, ऐसे टाइम पास, उधर जाके टाइम पास डांस। हां मतलब ऐसे रूम से ज्यादा जिम में रहते हैं। अच्छा, वी ऑल नो अबाउट द हिडन टैलेंट ऑफ जेमी रॉड्रिक्स। What's your hidden talent? Hidden talent? Yeah. Jeez. Except winning World Cups. Yeah. Not so hidden. Quite evident, yeah. Yeah, I'm not sure if you know, but I'm actually really good at talking in Hindi. Oh. Yeah. Do you want an example? Yeah. Yeah. Well, when these two are talking a lot, like just a bit too much, want them to stop, I go, Kamosh! Kamosh! Can you do that for the camera? Like this, Kamosh! Kamosh! Yes! सही है, ऐसे ही खामोश कर देना सारे अपोनेंट्स को, बिल्कुल क्लियर हो गई है ये बात। जेमी और राधा का कौन है कॉन्स्टेंट पार्टनर, सीरीज में भी, थ्रू आउट द टूर्नामेंट और आफ्टर द टूर्नामेंट? ऐसा होता है ना कि जैसे हमारा मैं किसी प्लेयर के साथ खेलती हूँ और वो सिर्फ टूर्नामेंट तक ही सीमित है, लेकिन जब टूर्नामेंट खत्म होता है तो ये मेरे कॉन्स्टेंट पार्टनर है कि हम लोग मिलते हैं, साथ में घूमते हैं, हैंग आउट करते हैं। ऐसा तो नहीं होता क्योंकि हम अलग अलग स्टेट में रहते हैं, तो नहीं, बट आई थिंक जो हम लोग टच में रहते हैं, मैं और राधा साथ में ही रहते हैं हमेशा, टच में तो रहते हैं दिल्ली से मुंबई, मुंबई से दिल्ली। दिस इज द क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, डू यू गाइस वॉच हाइलाइट्स ऑफ द मैच यू हैव परफॉर्म्ड गुड इन? Wrong question. I think you need to ask these two more. I watch the highlights, the whole team highlights though. There's a couple of me in there, that's good, but yeah, not too much. Not specifically Mac. No. More team. Yeah. Jimmy taking flying catches. So. वो कैच मुझे याद है, बहुत देखी थी, वो पोस्ट भी करी थी आपने? हाँ जी बिल्कुल, लाइक करी थी मैंने। थैंक यू यार, दिल वाला कमेंट दिल वाला कमेंट। तो आप बताओ कि मतलब कैसे होता है कि जैसे यार आज मैंने इतने रन मार दिए हैं और अब मैं देखने वाली हूँ इसकी हाइलाइट्स, और 2-3 बार देखने वाली हूँ कम से कम। नहीं मैं देखती हूँ और कभी कभी देखती हूँ कि और अच्छा क्या कर सकती हूँ, लाइक वैसे टाइप ऑफ रिव्यू होता है, जो अच्छा किया है वो नोट डाउन करती हूँ, वेल डन बोलती हूँ ऐसे, बट व्हाट आई कुड हैव डन बेटर इन दिस सिचुएशन। ये सिर्फ कैमरा के लिए है, सच्चाई भी है, सच में, एकदम सच में, सच में। और राधा, कौन सी हाईलाइट सबसे ज्यादा देखी है, अगर चलो इसी में से सवाल पूछा जाए तो कौन सी हाईलाइट ऐसी है जो सबसे ज्यादा देखी होगी? मैंने वो कैच देखा बहुत, क्योंकि मैं खुद शॉक में थी। हाँ, उसके बाद रिएक्शन देखा था, रिएक्शन ऐसे था, रिएक्शन बिल्कुल ऐसे था, एकदम राइट में डाइव मारी मिड ऑन से, एकदम ऐसे कि हाथ में आ चुकी है बैठ गया, ऊपर से पोज भी हुई थी, वो तो बनती है। और राधा, आपका कौन सा रहा है सबसे बढ़िया मैच? वही आपने जो बोला फाइनल, उस बैटिंग देखी है, बैटिंग बिल्कुल,
वो दो ही छक्के देखे बार बार ज्यादा तो बॉलिंग का इतना सीन नहीं, बैटिंग तो बहुत दिल पे लेते हैं, दो बॉल भी खेल लूं बहुत है। हाँ, वो हमने देखा है, इंडिया की तरफ से भी देखा मैंने। क्योंकि हम लोग क्या, हम लोग वुमेन्स क्रिकेट को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, जितने भी होते हैं हम फैंटेसी गेमिंग में वुमेन्स क्रिकेट का बहुत ज़्यादा है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल से आप लोगों ने अपने हाईलाइट्स इतने नहीं देखे होंगे जितने मैंने देखे होंगे। मैं बिल्कुल बता सकता हूँ, जैमी का तो मुझे वो भी पता है कि जब बैटिंग कर रही होती तो पहले ही, और वो बोलते क्या हो आप, जैसे होता है ना अपने आप से बात करना, वो तो मैंने इतना नोटिस किया ना जिसकी कोई लिमिट नहीं है, मतलब हर टाइम वो जैमी आती है, पहले अपने वी शेप में अपना हैंडल अच्छे से पकड़ा और उसके बाद कुछ बात करी अपने आप से, फिर जाके स्टांस लिया। आपको होश नहीं, स्टॉकर बोलना चाहिए। बिल्कुल स्टॉकर। अच्छा स्टडी किया वैसे। हां ना, नो दैट्स गुड एक्चुअली। मैच देखते हैं हम लोग। नहीं, मेरे लिए आई कीप टॉकिंग टू माय सेल्फ एंड दैट जस्ट हेल्प्स मी स्टे इन द जोन। कभी कभी प्रे करती हूँ, कभी कभी गाना गाती हूँ, तो जस्ट हेल्प्स मी स्टे काम, जस्ट लाइक सहवाग पाजी। एक्चुअली सचिन सर ने बोला था मुझे कि when you're batting, you're at the best when you just react. So, you know, you can do random thing. And he said, Virendra Sehwag used to actually sing. And I, okay, that suits my personality. So, bichare log mere aas paas, but... But domestic hum khel rahe the, toh udhar bhi gaana ga rahi thi. माइक पे तो हम लोग कभी नहीं सुना, पाजी के तो बहुत गाने सुने हमने, आप तो कभी नहीं सुना। डोमेस्टिक की बात नहीं, इवन इन इंटरनेशनल हाँ, वो पता नहीं दूर जाती तो उतना एक्सपीरियंस है कितना दूर कितना पता रहता है कहाँ खड़े। नेक्स्ट टाइम आपके लिए पास में जाके ऐसे चले। और राधा की तो एक चीज है, वो जो कैच पकड़ के जो एग्रेशन आता है कहाँ से, क्या पता गली क्रिकेट खेले बचपन से। ओ एग्रेशन, दोस्तों के साथ। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम लोग यहाँ पे बात नहीं कर सकते हैं, वरना मैं आपको जरूर बताता। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम स्टार्ट करने वाले रैपिड फायर राउंड। यस, मैं वी आर गोना स्टार्ट अ रैपिड फायर राउंड। ओके ओके, वी आर गोना स्टार्ट विद यू बिकॉज आई कैन सेंस यू वांट फील इन्वॉल्व्ड। I've got no idea what you've been talking about. Yeah, so I'm gonna all start. All good things about you. Okay, okay, great. Okay, great. You know the drill of rapid fire, right? Sort of. I'm gonna ask you something, and you just have to be very spontaneous, right? Yeah. Shall we start? Yep. Ready? Yep. She's always ready. Okay. Favorite food. Chocolate. Most used app on your phone. Spotify. Spotify. Mm-hmm. Oh, nice. हिंदी गाने नहीं सुना है? नहीं नहीं। Maybe you should get these guys, maybe play this. What about Bollywood? Not so much Bollywood. Maybe I'm open. I'm open to new. ऐसा कैसे चलेगा? ऐसे यार इनको बस इस बार सुना देंगे, don't worry. इस बार सुनो, यहाँ से जाके एकदम वहाँ पे जाना है, मेरा माहिया नहीं आया, मेरा माहिया नहीं आया, ये चीजें चाहिए हम लोगों को यहाँ से, ऐसे मत जाने दो। Tell me about your experience with these girls. I mean, what do with you? I mean, aren't they teaching you any Hindi words? They're trying to. I feel like it. Training the other day, we're talking about it when we do stuff like this. I don't think I'm very good, but I always try and practice things. So I'll do my best. Hopefully by the end of the tournament, I've really worked it out. Yeah, the thing about Meg is when we tell her something in Hindi, first she want to know the context. What is it about? What we are talking? And then she keep practicing it till she gets it perfect. Like just like they're a laughing at me most of the time. No. Especially Radia, she just asks me. I try and say something. You sound really cute. That's what I'm going for. No, so extra batting is cool. You get more. One down. Jamie, se start kara jaye ya Radha se? Bata, dono me se kaun karega rapid fire? Jamie. Sab ready rehti hai. Okay. To Jamie, trouble maker kaun hai team ka? Wo khud hai. Sach mein? इतनी भूख लगी है ना, और आप ये चौपाटी की पाव भाजी, दिल्ली की चाट तो रहेगी यार, दिल्ली की चाट। हाँ, 100% अब तो जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, सेकंड लेग में है ना हम लोग वहाँ पे। बिल्कुल, मैं लेके आऊंगा दिल्ली की चाट। क्लोजेस्ट टीममेट? आई थिंक अरु एंड राधा, बचपन से दोस्त हैं, अंडर 19। हु इज योर सेलिब्रिटी क्रश? आई वुड से शाहरुख खान। मोस्ट डायल्ड नंबर इन योर फोन?
I think dad. Dada? Yeah, dad's also my coach, so. मैं बता तो रहा हूँ, सब कुछ पता है हम लोगों को. हम लोग वो पूछने आए हैं जो हम लोगों को नहीं पता. A rumor you like to spread about yourself? A rumor? Yeah. That Jemmy is extremely good in cooking. Because I suck. Master chef. अब राधा जी की बारी आ जाती है. यादव जी, आप बताइए सबसे ज्यादा मुश्किल बैटर कौन है जिसे आपने बॉलिंग कराई हो? अभी तक तो ये सबसे बेस्ट आंसर लगा है मुझे अभी तक. मुश्किल कोई नहीं है, जिस मर्जी को ले. दिल खुश हो गई. फेवरेट ट्रेवल डेस्टिनेशन? न्यूजीलैंड. दो मैं कभी गया नहीं हूँ लेकिन मुझे अच्छा लगा सुन के. मैं कभी जरूर जाना चाहूंगा. फेवरेट रूम पार्टनर? रूम पार्टनर तो अब वो बात ही खत्म हो गई यार. थोड़ी देर पहले जमी की बेस्ट फ्रेंड राधा होती थी. है उसमें क्या जरूरी है. अच्छा, जब परेशान हो जाते हो बॉलिंग करा के कि मतलब यार ये बंदी आउट नहीं हो रही मेरे से, तो गो टू डिलीवरी क्या है आपकी? वो कैसे बताओ, वो नहीं बता सकते. कौन सा समझ आ रहा है? ऐसे नहीं होता जैसे आम बॉल. मैंने वो तो सबको पता ही है क्या क्या वेरिएशंस होते. अच्छा, तो मतलब खुद से अभी कभी डिस्क्लोज नहीं करना है? ना ना बिल्कुल. कोई बात नहीं, हम लोग निकाल लेंगे स्टडी करके हमारे वाली. जब भी परेशान होती रहता तो कौन सी बॉल आके फेंकती? परेशान दिखूंगी नहीं. ये दिल्ली वालों ने दिल खुश कर रखा है. फेवरेट मेमोरी विद डीसी? आई थिंक मैग की कैप्टनसी, मतलब उसके अंडर जब हम खेले लास्ट ईयर, और इस साल भी एक्साइटेड हूँ मैं. वो फेवरेट होगा मेरे लिए. मैग गॉट द आइडिया व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट? क्योंकि अब हमारे पास वक्त भी कम रह गया है. पीछे से बंदों ने भी ऐसे ऐसे करना शुरू कर दिया. ठीक है, ये बात बताने की नहीं थी लेकिन फिर भी बताना पड़ रहा है. ओके, सो मैं आपसे कुछ सवाल पूछने वाला हूँ. मतलब सवाल तो नहीं है यार, मैं एक वर्ड बोलूंगा, आप तीनों में से जो भी हो. आई मैग या वी आर गोना गिव अस अ वर्ड. या हु इज दैट फ्रॉम द थ्री ऑफ यू? जस्ट पॉइंट आउट. पॉइंट आउट. Yeah, just point. Yeah, you just have to point out. I'll just point out. Okay, right? Yeah. Yeah, I'm gonna start. Fashionista. Spider-Man. We didn't get the answer. We didn't get the winner. Everyone. All one. Yeah. All fashionista. Yeah. Nari Shakti. Comedian of the team. Dan. No, from all three of us. Yeah. Jem. Me? No. Meg said Radha. Yeah. You find me funny? Really? Not funny. Yeah, wow. Very nice. Who is the gadget freak? Amy. And again, we are having the same situation. Okay. Oh, okay. So Meg. Meg is the winner, right? Definitely. Okay. Oh, yeah. The gadget freak. Very bad. Yeah, even I'm punching in that. Yeah. Okay. So we don't have the winner of who is the gadget freak. Someone says Meg and Jemmy says Radha. Radha says Meg and we have this situation right now. DJ in the dressing room. Radha. Yeah. Finally we have a unanimous winner. Radha, best dancer of the team. Yadav ji, head are you up to? Who annoys the most? No. Okay, so Jemmy. Yeah. Jemmy loudly and proudly. Proudly. Who is always hungry? I don't know, but right now, Radha. Right. Yeah, right. Radha second, mate. That's fine. Okay. Most updated on latest movies and TV series? TV series. Hindi movies, yeah. Hindi movies. Bollywood bhi chalega. Bollywood. राधा. राधा ने क्लियरली ये राउंड जीत लिया है बहुत अच्छे से. और एक मेरे लिए सारे सवाल बचे. सच बता, ये जो 10 थे ना ये मैंने सोचे भी नहीं थे और उसके बाद इतना सारा था. ओके, एक आखिरी सवाल और फिर हम करने वाले हैं हमारे चिट चैट सेशन को खत्म. और आखिरी सवाल ये है आप लोगों से, हु इज द मास्टर ऑफ द गेम? जैसे माई मास्टर 11 है, मास्टर ऑफ द फैंटेसी एप्स कौन है मास्टर ऑफ द गेम? मैग. Of course, the skipper. It's the skipper.
तो अब हम खत्म करते हैं अपना चिट चैट सेशन विद दिस थ्री प्लेयर्स, और आई होप आप सबको बड़ा मजा आया होगा, और साथ ही साथ डाउनलोड करें माई मास्टर 11 नाउ, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और साथ ही साथ मैंने कमेंट भी पिन किया हुआ है जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं माई मास्टर 11। हम लोग उम्मीद करते हैं कि दिल्ली इस साल कप लेके आए, ये टाइटल हमारा हो, मैं भी फाइनल में आपके साथ वहाँ पर जरूर रहूँगा, चाहूँगा कप उठाते हुए देखूँ। चलो मिलते हैं, थैंक यू राधा जी, थैंक यू जमी, Thank you. Download My Master 11 app today. और खेलो अपना Master Stroke.